NTAUGCNET यानी ImageNet डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल ImageNet Pro पे। दोस्तों आज ये हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास 4 है और इसमें हम जानेंगे टाइप ऑफ सैम्पलिंग इन रिसर्च। और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों को कि क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है, कोटा सैम्पलिंग क्या है, स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो काफ़ी कई बार पेचीदा बन जाता है हमारे लिए। तो आज की इस क्लास में दोस्तों बिल्कुल ही आसानी से हम आपको ये सारी चीज़ें समझाने वाले हैं और ये क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में सबसे पहले दोस्तों हम थ्योरी करेंगे और उसके बाद में 2012 से लेके अभी तक जो भी क्वेश्चन हमारे आए हैं वो सभी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ये क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और इसमें से हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो दोस्तों इस क्लास को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों NTAUGCNET एग्जाम देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है? नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, ICT के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और DI के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी। जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। देखिए रिसर्च सैम्पलिंग के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसर्च में दो चीज़ें होती है, एक होती है सैम्पलिंग, एक होती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज द एंटायर ग्रुप दैट यू वांट टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट। पॉपुलेशन हमारी पूरी जो जनसंख्या होती है जिसके ऊपर हमें रिसर्च करनी है। मान के चलिए हमें दिल्ली शहर के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनके ऊपर प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ रहा है पॉल्यूशन का, वो हमें देखना है। तो वो पूरे दिल्ली की पॉपुलेशन होगी हमारी। और अब हमें देखना है सैंपल। सैंपल की बात करें तो अब हम हर एक व्यक्ति से जाके तो दिल्ली के लोगों से नहीं पूछ सकते भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है, क्या है। तो हम क्या करेंगे कि दिल्ली के अंदर जो अलग अलग मोहल्ले बने हुए हैं उनके अंदर जाके दो चार लोगों से हम पूछेंगे, तो उन्हीं से हम अपना कंक्लूजन निकाल लेंगे। तो सैंपल क्या होता है? सैंपल इज द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट यू विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम। और इसमें क्या होता है कि ये एक जो पूरी पॉपुलेशन होती है उसको रिप्रेजेंट करने वाला होता है। ये हो सकता है एक ग्रुप हो, ये हो सकता है एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी हो सकता है, एक एक सैंपल भी ले सकते हैं हम, एक पूरे के पूरे ग्रुप को भी हम उठा सकते हैं इसके अंदर। तो ये चीज़ें इसके अंदर होती है दोस्तों। तो पॉपुलेशन तो समझ में आ गई आपको बात की पूरी एंटायर पॉपुलेशन होती है, पूरी जनसंख्या होती है, और जो सैंपल उसमें से कुछ यूनिट होती है जो पूरे उसकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। और जो हमारी सैंपल है सैंपल ऐसा होना चाहिए जो रिप्रेजेंट करे। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को। मान के चलिए गाँव के अंदर पंचायत है, ठीक है, तो गांव के अंदर एक ग्राम पंचायत में मेंबर होते हैं, मान के चलिए 10 मेंबर है, तो वो 10 मेंबर क्या है कि हर मोहल्ले से चुने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 10 के 10 लोग एक ही जगह से ले लिए, नहीं, वो पूरे गांव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करें गांव में कोई कमेटी बनानी है, हेल्थ की कमेटी बनानी है, और उस हेल्थ कमेटी में अगर सरपंच अपने ही जो अपने ही परिवार के 5 लोगों को ले ले, ठीक, अपने परिवार के 5 लोगों को ले लिया और वो एक ही मोहल्ले के हैं, तो वो तो पूरे गांव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे ना। तो ये क्या है, ये जो हेल्थ की जो कमेटी है ये पूरे गांव को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, तो ये सैंपल नहीं मानेंगे। जबकि 10 मेंबर जो है
पंच जो है वो पूरे गांव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये हम इसको सैंपल मानेंगे। तो ये फर्क है हमारा सैंपल में और पॉपुलेशन में। अब देखिए सैंपलिंग के अंदर ये हमने बात कर ली टोटल पॉपुलेशन और सैंपल पॉपुलेशन। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी टाइप ऑफ सैंपलिंग है, सैंपलिंग किस तरह की हो सकती है। तो सैंपलिंग मुख्य रूप से दो तरह की हो सकती है दोस्तों, एक है हमारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एक है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। अब थोड़ा सा इसमें मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा जो बेसिक है बेसिक हम समझते हैं। मान के चलिए एक हमारी सिटी है, सिटी के अंदर एक कंपटीशन होने वाला है और उस कंपटीशन में हमें चार बच्चों को लेके जाना, तीन बच्चों को हमें वहाँ पे लेके जाना है और हमारा उद्देश्य क्या है उस कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अवार्ड्स आए। तो उसके लिए हम क्लास में जैसे 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों में से हम किन तीन बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम इनमें से कोई भी तीन बच्चे सिलेक्ट कर लिए, हमने लॉटरी सिस्टम कर लिया भाई, 30 बच्चों की जो पर्ची बना के हमने एक घड़े के अंदर डाल दी और उस घड़े में से रैंडमली तीन बच्चों को उठा रहे हैं और उन बच्चों को हम वहाँ पे ले जाके प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या होगी हमारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगी। दूसरी तरफ क्या किया हमने, ये जो 30 बच्चे हैं हमने सोचा नहीं यार ऐसे तो बेइज्जती हो जाएगी हमारे स्कूल की, तो ऐसा करते जो 30 बच्चों में सबसे ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले हैं उनको हम लेके चलते हैं। एक हमने ले लिया मैथ का बच्चा जो सबसे होशियार है, एक ले लिया साइंस का और एक ले लिया हमने इंग्लिश का। ये तीन बच्चे हमने अपनी सुविधा के अनुसार हमने देखा भाई ये बच्चे काफी पढ़ने लिखने वाले तो इनको हम ले लेते हैं। तो ये क्या होगी दोस्तों, नॉन रैंडम सैंपलिंग या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो गई। तो ये फर्क है दोनों में, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में जितने भी बच्चे होते हैं उनका इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का, लेकिन इसमें इक्वल चांस नहीं है, इसमें उन्हीं को मौका दिया जाएगा जो पढ़े लिखे हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के क्या क्या टाइप्स हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सबसे पहले है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, फिर है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, ये सारी चीज़ें हम आगे करने वाले हैं डिटेल में, फिर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, फिर है क्लस्टर सैंपलिंग, एरिया सैंपलिंग, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर हम बात करें तो जजमेंटल सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, पैनल सैंपलिंग और स्नोबॉल सैंपलिंग। तो ये अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के बारे में बताया था कि इसमें जितनी भी हमारी आबादी होती है जो सैंपल होते हैं उनके सिलेक्ट होने का चांसेस एक जैसा होता है। जैसे बताया ना क्लास में, क्लास में लॉटरी तरीके से बच्चों का सिलेक्शन करना, तीन बच्चे लेना है लेने और हमने लॉटरी निकाल ली, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के हमारे क्या क्या हमारे वो हो सकते हैं, टाइप हो सकते हैं। टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग देखिए, सबसे पहला जो टाइप है दोस्तों रैंडम सैंपलिंग है। रैंडम सैंपलिंग के अंदर हम कुछ भी नहीं करते, इसमें नॉर्मल जो रैंडम तरीके से हम करते हैं, जैसे घड़े वाला मैंने उदाहरण दिया उसमें से तीन पर्ची हमें उठानी है तो वो होगी रैंडम सैंपलिंग होगी। इसके अंदर कोई सिस्टम नहीं अपनाया जाता, कोई तरीका नहीं अपनाया जाता, इसमें सिंपल रैंडम तरीके से चीजों को चुनते हैं। उसके बाद में हम बात करें दोस्तों सिस्टमैटिक सैंपलिंग है। अब देखिए मान के चलिए हमें क्या करना है कि 6 बच्चों को हमें पिकनिक पे लेके जाना है, हर 2 महीने में कहीं बाहर घुमा के लेके जाना है बच्चों को, और एक क्लास में कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं। अब देखिए अगर हम स्टार्टिंग के 6 बच्चों को ले ले तो बच्चे कहेंगे सर मेरा नंबर नहीं आया, मेरा नहीं आया, ये आपने तो गलत किया, आप तो बहुत भेदभाव कर रहे हो। तो हमने क्या सोचा भाई हम ना इसमें एक थोड़ा सा सिस्टम बनाते हैं। हमने कहा बच्चों भाई हम ऐसा करते हैं कि जिनका रोल नंबर 5 की डिवाइड में आता है उनको हम लेके चलेंगे, जैसे 5, 10 और 15, 20 इस तरह से जिन जिनका नंबर रोल नंबर 5 से डिवाइड होगा उनको हम पिकनिक पे लेके चलेंगे। अगली बार क्या करेंगे जिनका रोल नंबर 4 से डिवाइड होता है, फिर मतलब 3 से जिनका डिवाइड होता है, इस तरीके से हमने एक सिस्टम इसमें बना लिया भाई इन इनको हम लेके चलेंगे, ऐसे सभी की बारी आ जाएगी। तो अब ये देखिए हमने 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे डिसाइड किया, तो ये क्या कि है तो रैंडम सैंपलिंग लेकिन इसमें हमने सिस्टम बना दिया, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग बच्चों का चुनाव करेंगे और इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब की बार किसी का नंबर आ रहा है तो अगली बार किसी और का नंबर आ जाएगा, तो ये चीज़ें इसके अंदर होती है। जैसे ये है ना कंपनी में 100 कर्मचारियों को नंबर दिए गए हैं, प्रत्येक 10 कर्मचारी के बाद का चुनाव किया जाता है,
ठीक है, तो ये चीजें इसमें होती है। अब आती है दोस्तों हमारे पास, एक होती है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और एक होती है हमारी क्लस्टर सैंपलिंग। अब ये देखिए स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैंपलिंग को समझने के लिए इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग या फिर इसको स्तरीकृत प्रतिचयन भी बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत जरूरी है अपने लिए। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग इज वन इन विच द पॉपुलेशन हिट्रोजीनियस इज डिवाइड इंटू होमोजीनियस। इसके अंदर जो पॉपुलेशन होती है हमारी हिट्रोजीनियस होती है। हिट्रोजीनियस का मतलब है कि वो मिली जुली होती है, उसमें कोई अलग 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 ग्रुप नहीं होते, सारे मिक्सचर होता है उसके अंदर, ठीक है। और डिवाइड इनटू होमोजीनियस, उसके अंदर फिर क्या करते हैं हम, जो हमारी पॉपुलेशन मिली जुली हुई होती है उसको हम अलग अलग डिवाइड करते हैं, ठीक है, अलग अलग हिस्से बना देते हैं, उसके बाद में फिर हम उसमें से सैंपल इकट्ठा करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमने ग्रुप बना लिए, एक ये मान के चलिए ये कोई गांव का ग्रुप है, ठीक है, गांव का ग्रुप है और इसमें वही बात आ रही है कि हमें इसमें पिकनिक पे लेके जाना है। गांव के मान के चलिए ये कोई 100 बंदे हैं, ठीक है, 100 बंदों में हमने क्या किया, जो महिलाएं हैं महिलाओं को एक साइड कर लिया हमने, ठीक है। ये देखो ये मान लिया हमने, ये रेड कलर के है आदमी, ये है मैन है, ठीक है, और ये ग्रीन कलर के ये फीमेल है, और ये जो ब्लू कलर के हैं ये मान ली हमने बच्चे हैं, ठीक है। ये तीन ग्रुप है यहाँ पे, तो हमने क्या किया, जो आदमी है आदमियों का ग्रुप एक बना लिया, ठीक है, जो लेडीज है लेडीज का ग्रुप हमने यहाँ पे एक बना लिया, और उसके बाद में जो बच्चे हैं बच्चों का ग्रुप हमने अलग बना लिया, लिस्ट बना ली हमने, भाई इस गाँव में इतने बच्चे हैं, इतनी महिलाएं हैं, इतने आदमी हैं, तीन ग्रुप हमने बना लिए। अब इसमें ये मान के चले भाई इनकी संख्या हुई 60 हुई, इनकी संख्या हुई मान के चलिए 40, महिलाओं की 40 हुई, बच्चों की 30 हुई, ठीक है, ये मान के चलिए टोटल हो गए 130 जने होंगे पॉपुलेशन। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो ग्रुप हमने बनाए इनको हम स्ट्रेटा बोलेंगे। अब इन स्ट्रेटा में से हम सिलेक्ट करेंगे भाई कौन जाने चाहिए पिकनिक में। अब इन तीनों ग्रुप में हमने पांच पांच लोग सिलेक्ट कर लिए, रैंडम तरीके से सिलेक्ट कर लिए। अब हमने क्या किया, इसके अंदर लॉटरी सिस्टम शुरू कर दिया, और इसका मैं कलर अलग कर लेता हूँ, इसमें हमने लॉटरी सिस्टम शुरू कर लिया और इस 60 में से कोई मतलब पांच व्यक्ति चुन लिए, ठीक है, इन 40 में से कोई पांच महिलाएं चुन ली, और इसी तरीके से 30 बच्चों में से हमने कोई पांच बच्चे चुन लिए। अब इन 15 लोगों को, 15 मतलब बच्चों को वहां पे लेके जाएंगे, टोटल 15 जनों को हम पिकनिक पे लेके जाएंगे। तो पहले तो क्या था, पहले तो बड़ी कंफ्यूजिंग थी ना चीजें हमारे लिए, पहले तो सारा का सारा मिक्सचर था यहाँ पे, सारे के सारे बच्चे बूढ़े आदमी और औरतें सारे मिक्सअप थे। तो हमने क्या किया, तीनों के ग्रुप अलग 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 बनाए, फिर उन ग्रुप में से हमने सैंपल इकट्ठा किए रैंडम तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, यानी कि इसमें हम स्ट्रेटा बनाते हैं, और इसमें मैं इरेज करता हूँ फिर और थोड़ा समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया स्ट्रेटा हो गया, ये जो है ये हमारे स्ट्रेटा हो गए, ये जो ग्रुप हमने बनाए ये स्ट्रेटा हो गए, ठीक है। तो अभी इतना समझ में आया आपको, बाकी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपके क्लियर हो जाएंगे चीजें। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों क्लस्टर सैंपलिंग की बात करते हैं। क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर देखिए क्लस्टर सैंपलिंग इज डिफाइंड एज ए सैंपलिंग टेक्निक इन विच द पॉपुलेशन होमोजीनियस। इसके अंदर उल्टा है, इसके अंदर जो पॉपुलेशन होती है वो होमोजीनियस होती है, एक जैसी पॉपुलेशन, मतलब महिला महिला होगी, बच्चे होंगे बूढ़े होंगे, उनका एक ग्रुप होगा, स्टार्टिंग में ही अलग अलग ग्रुप होगा उनका। इज डिवाइड इंटू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप्स क्लस्टर, देन ए सैंपल ऑफ क्लस्टर इज सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द पॉपुलेशन। द टर्म क्लस्टर रेफर टू ए नेचुरल बट हिट्रोजीनियस। अब देखिए इस सैंपल के अंदर पूरी पॉपुलेशन पहले से होमोजीनियस थी, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड होती है जिन्हें क्लस्टर बोला जाता है। अब इन क्लस्टर में से रैंडम तरीके से सैंपल लिया जाता है, इनका नेचर विजातीय होता है। माफी चाहूंगा दोस्तों मैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे ग्रुप बना रखे हैं, अब ये ग्रुप मान के चलते, अब एक सिंपल सी चीज मैं बताता हूँ आपको, हम किसी शहर में गए, ठीक है, या किसी गांव में गए, वहां पे किसी बीसी कास्ट, तीन कास्ट लेके चलते, बीसी हो गया,
जनरल हो गया और एक एससी कास्ट होगी। अब देखो बीसी कास्ट के दो ग्रुप बने हुए, जनरल के दो ग्रुप बने हुए, एससी के दो ग्रुप बने हुए हैं। तो ये क्या है, होमोजीनियस है, यानी कि एक जैसे लोग हैं। बीसी जो लोग होंगे वो एक जैसे लोग होंगे, जनरल जो होंगे वो अलग होंगे, और जो एससी होंगे वो मतलब इन दोनों से अलग होंगे, लेकिन इनकी जो कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन मिलेंगी। अब देखिए, अब जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम इन दोनों को नहीं लेंगे, या तो इसको एक को लेंगे या फिर इस सेकंड को लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो इनकी एक्टिविटी है वही एक्टिविटी इनकी है, होमोजीनियस है, ठीक है। इसी तरीके से इन जर्नल को जो सुविधाएं मिली हुई है वही सुविधाएं इनको मिली हुई है, ठीक है। अब एससी के अंदर भी यही है, लगभग जो सुविधाएं इनको मिली हुई है वही सुविधाएं इनको मिली हुई है। तो हम क्या करेंगे, इन दो दो में, ये दो दो के ग्रुप है, इनमें से कोई एक एक ग्रुप का हम चुनाव यहां से कर लेंगे। तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों क्लस्टर सैम्पलिंग बोलेंगे। यहाँ पे क्या होते हैं कि जो ग्रुप है, ग्रुप पहले ही होमोजीनियस में डिवाइड होते हैं, और उन ग्रुप्स में से हम रैंडम तरीके से ग्रुप्स का चुनाव करते हैं। तो ये है दोस्तों हमारी क्लस्टर सैम्पलिंग या फिर एरिया सैम्पलिंग, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे, हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, और इसका कलर कर लेते हैं मस्त सा ग्रीन कलर कर लेते हैं। अब देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आते हैं, सबसे पहले हमारी कन्वीनियंट सैम्पलिंग आती है, कन्वीनियंट सैम्पलिंग बोलते हैं इसको, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अपनी सुविधा के अनुसार सैंपल को चुनना इस सैंपल के अंदर आता है। अब मान के चलिए हमारी रिसर्च के अंदर ऐसा है भाई, आपको तीन गाँव के ऊपर रिसर्च करनी है, तीन गाँव के जो किसान हैं उन पर रिसर्च करनी है, तो हम क्या करेंगे, यार ऐसा कर लेता हूँ मैं ना, मेरे पापा जिस गाँव में रहते थे ना उस गाँव के लोगों पर रिसर्च कर लेता हूँ, वहाँ के लोग मेरे पापा को जानते हैं, मुझे भी जानते हैं लोग, तो वहाँ पर क्या है कि लोग सैंपल सही से दे देंगे, से बातचीत कर लेंगे। तो चलो एक तो वो सिलेक्ट कर लिया, एक कर लेते मेरे नाना का गांव कर लेते, ठीक है, मेरे नाना के गांव में जो मेरे मामा है वो मेरी हेल्प कर देंगे, तीसरा गांव कर लेते मेरे दोस्त का कर लेते। तो इस तरह से हम अपनी सुविधा के अनुसार सैंपल का चुनाव करते हैं, तो उसको हम रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं, सॉरी रैंडम नहीं, नॉन रैंडम या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें चुनाव रैंडम तरीके से नहीं किया गया, नॉन रैंडम तरीके से किया गया है। आगे हमारा कोटा सैंपलिंग है, कोटा सैंपलिंग में पहले से ही निर्धारित होता है कि ये चीज़ इतनी चीज़ इसको मिलने वाली है, जैसे इलेक्शन में हम देखते हैं कई बार पहले से निर्धारित हो जाता है, हम एग्ज़ाम में देखते हैं, एग्ज़ाम में डिसाइड होता है ना कि एससी जो स्टूडेंट है उनकी इतनी सीट है, उनको इतने नंबर लेने हैं, बीसी को इतने लेने हैं, जनरल को इतने लेने हैं, तो ये क्या कि पहले से ही कोटा निर्धारित होता है, इसमें सभी को इक्वल चांस नहीं मिलते, नहीं मिलते ना, तो ये चीज़ होती है हमारी कोटा सैंपलिंग के अंदर, जिसमें पहले से निर्धारित होता है किसको क्या क्या कितना हिस्सा दिया जाएगा। फिर है हमारा स्नोबॉल सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग के अंदर क्या होता है कि इसमें हम जो भी सैंपल है सभी सैंपल के पास जाना हमारे लिए मुश्किल होता है और कई बार खतरा भी होता है, तो हम क्या करते हैं कि एक व्यक्ति से ही अन्य व्यक्तियों की जानकारी लेते हैं। इसका नाम स्नोबॉल कैसे पड़ा, स्नोबॉल सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, कश्मीर घूमने गए हो क्या कभी, कश्मीर या फिर कुल्लू मनाली, चलो नहीं गए तो जीआरएफ करना, फिर मैं लेके चलूँगा आपको, हम टूर लेके चलेंगे, ठीक है, शिमला मनाली वहाँ चलेंगे। तो वहाँ जाने के बाद क्या है कि जब बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे, तो बर्फ़ के गोले बनाते हैं, उस गोले को बना के जब हम ऐसे रुड़काएंगे ना, ऐसे जब फेंकेंगे, तो उसके साथ और जो बर्फ़ है वो लिपटते हुए चली जाएगी और वो जो गोला वो बड़ा बन जाएगा, ठीक है। यही चीज़ इसके अंदर होती है, इसमें हम किसी एक व्यक्ति से दूसरे सैंपल के बारे में पूछते हैं। सपोज दैट हम किसी गांव में गए, वहां पे हमें अंदाजा है कि यहाँ के कुछ लोग, कुछ युवा जो है वो नशा करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम किसी हर किसी से जाके तो पूछ नहीं सकते, हाँ जी भाई साहब कैसे हो, क्या आप दारू पीते हो, ऐसे तो पूछ नहीं सकते, भाई साहब क्या आप स्मैक पीते हो, ऐसे तो पूछ नहीं सकते, हमारी कुटाई हो जाएगी, है ना, कुटाई हो जाएगी हमारी। तो हम क्या करेंगे, कोई हमारा दोस्त है या कोई नशा करने वाला है जिस पे हमें विश्वास है, उसको हम पे विश्वास है, तो हम उससे पूछेंगे भाई आपके गांव में कौन कौन लोग नशा करते हैं, आपकी जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी, किसी को बताएंगे नहीं, बट आप हमें बता दीजिए कौन कौन लोग नशा करते हैं, उनके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ा है। तो वो एक व्यक्ति कई व्यक्तियों की जानकारी दे देता है, तो उसको हम स्नोबॉल सैंपलिंग बोलते हैं, या फिर इसको नेटवर्क सैंपलिंग भी बोलते हैं।
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के बारे में जानकारी होना। ठीक है, आगे हमारा जजमेंटल सैम्पलिंग है। जजमेंटल सैम्पलिंग में जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक उदाहरण दिया था ना कि 30 बच्चे हैं, 30 में से 3 बच्चों का सिलेक्शन करना है हमें, तो उन 3 बच्चों का सिलेक्शन कैसे किया, हमने उसको जज किया है बच्चों को तीनों को। भाई सुनील जो है, सुनील मैथ में बहुत अच्छा है, ठीक है, रमेश जो है, रमेश उसमें साइंस में अच्छा है, और सुनीता जो है वो हमारी इंग्लिश में अच्छी है, तो हमने उनको जज किया है। पहले हमने उनका टेस्ट लेके देखा हुआ है, काफ़ी होनहार बच्चे हैं। तो ये होती है हमारी नॉन रैंडम सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जजमेंटल। ठीक है, तो अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखें। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं? तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आपने कितना कुछ सीखा है और कितना कुछ आता है आपको। तो बहुत अच्छी क्लास ये होने वाली है। और दोस्तों, अगर आपको ये नोट्स चाहिए ना, तो आप हमारी ऐप निमिज नेट डाउनलोड कर लेना भाई, उसमें आपको ये स्टडी नोट्स और बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, ये बताता हूँ। इन द केस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च इज हिट्रोजीनियस, ये देखो ये क्या बोल रहा है। इन द केस, इन केस द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च इज हिट्रोजीनियस, ऐसी रिसर्च जिसके अंदर पॉपुलेशन वो हिट्रोजीनियस है। हिट्रोजीनियस यानी कि मिक्सचर है, वो कभी कुछ आ गया कभी कुछ आ गया, तो मिक्सचर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक विल बी इंश्योर ऑप्टिमम रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सैम्पल यूनिट, तो वहाँ पे उसका जो रिप्रेजेंटेशन करेगी, तो वहाँ पे कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक का हम उपयोग करेंगे। तो ये हम पढ़ के आए थे ना, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, इसमें हिट्रोजीनियस होती है हमारी पॉपुलेशन, फिर उसका स्ट्रेटा बनाए जाते हैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे ग्रुप में, और उन ग्रुप्स में से फिर सैम्पल लिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और आगे देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर ये क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की कौन कौन सी है प्रोबेबिलिटी पे। ये देखो, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है या नहीं है प्रोबेबिलिटी, नहीं, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। कोटा सैम्पलिंग भी नहीं है, जजमेंटल सैम्पलिंग भी नहीं है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है। स्ट्रेटिफाइड ऊपर पढ़ के आए ना जस्ट अभी, ये देखो स्ट्रेटा, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, ये होगी हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी। ठीक है, तो ये सभी आप याद रखना। आगे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज नॉट बेस ऑन प्रोबेबिलिटी, कौन सी प्रोबेबिलिटी पे बेस नहीं है, मींस की नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी है। ये देखो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग गलत, स्ट्रेटिफाइड रैंडम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग गलत, ये अभी हम ऊपर पढ़ गए। कोटा सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग, अब इन दो में देखो, क्लस्टर में बताया था ना, एक जैसे ग्रुप के कई ग्रुप बने हुए होते हैं, एस सी बी सी जनरल मैंने बताया, और उनमें से कोई दो ग्रुप हम चुनते हैं, तो वो क्या होगी, वो होगी क्लस्टर सैम्पलिंग, हमारी रैंडम सैम्पलिंग हो गई। तो जो कोटा सैम्पलिंग है ना, कोटा में पहले ही निर्धारित कर देते हैं भाई, यहाँ से इतने लोग लेने हैं और यहाँ से इतनी लेडीज लेनी है, तो वो हमारी कोटा सैम्पलिंग हो जाएगी। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड पैरामीटर व्हाइल द कॉरस्पॉन्डिंग सैम्पल इन्फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे। ये देखो, पॉपुलेशन की जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, और सैंपल की जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, सैंपल की इन्फॉर्मेशन को हम स्टेटिक्स बोलेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं दोस्तों, इन द सैम्पलिंग द लॉटरी मेथड इज यूज फॉर, हमने बताया था ना, घड़े में पर्चियां रख लेते हैं, लॉटरी निकालते हैं, तो कैसी सैम्पलिंग है, सीधी सी बात है, हमारी रैंडम सैम्पलिंग है वो हमारी, है ना। तो दोस्तों, इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और बहुत क्वेश्चन है भाई यहाँ पे, कौन कौन से क्वेश्चन आपको हम दिखाएं। ये देखो, ये आ गया हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कौन कौन सी उनका हमें सिलेक्शन करना है। तो इसमें देखिए, नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन सी होगी, हमारी डायमेंशन सैम्पलिंग होगी, यानी कि पहले से ही हमने दिशा निर्देश दे दिए भाई, यहाँ यहाँ से ऐसे ऐसे सैंपल इकट्ठे करने हैं, ये होगी। फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग हम पढ़ के आए हैं, एक व्यक्ति से अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और उसके बाद में हम बात करें, जैसे हो गया हमारा कोटा सैम्पलिंग हो गया, ठीक है, कोटा निर्धारित कर देते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग ही हमारी रैंडम सैम्पलिंग में आएगी, और ये हमारी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये तीनों हमारी रैंडम में आएगी, और ये तीन जो है हमारी
उसमें आएगी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं। भाई काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं और कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन हम इसमें देखें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 37 क्वेश्चन है दोस्तों, अगर हर एक क्वेश्चन को हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय हमारा चला जाएगा इसमें। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप नोट्स ले सकते हैं दोस्तों। ये देखिए 2023 के मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए 2023 में क्वेश्चन आए हुए हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए सैंपल ऑफ रिस्पोंडेंट विच अवेलेबल टू रिसर्चर बिकॉज ऑफ दिस SS2 रिस्पोंडेंट इज आइडेंटिफाई एज। अभी देखो ए सैंपल ऑफ रिस्पोंडेंट विच इज अवेलेबल टू रिसर्चर, यानी कि ऐसा सैंपल हम इकट्ठा कर रहे हैं जो उसकी पहुंच में आसान पहुंच में है। हमने एक बात की थी ना, तीन गांव लेने, तीन गांव क्या है, रिसर्चर अपने सुविधा के अनुसार लेगा। मैं एक मेरे नाना का गांव ले लेता हूँ, एक मेरे पापा का गांव ले लेता हूँ, एक मेरे दोस्त का गांव ले लेता हूँ। तो वहां पे हम क्या कहेंगे, कन्वीनियंट सैंपलिंग उसको हम बोलेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार सैंपल जो ले रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों इसके अंदर, ये देखिए, ये देखो ये देखो यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हैज एन इक्वल चांस ऑफ बींग सेलेक्टेड इन द सैंपल। जो हमारी पॉपुलेशन है ठीक है, उसमें सभी लोगों के चुनाव होने का चांस इक्वल है सभी का, तो वहां पे किस तरह की सैंपलिंग होगी। वही बताया ना, एक घड़ा है, घड़े के अंदर 30 लोगों के नाम हमने लिख के डाल रखे, पर्ची डाल रखी है। अब इसमें से कोई तीन पर्ची निकाल रहे हैं तो चांसेस तो सभी के इक्वल है ना, किसी की भी पर्ची आ सकती है। तो वहां पे क्या होगी हमारी, क्वोटा सैंपलिंग, कन्वीनियंस, प्रपोजिव, क्या होगी हमारी, ये तो होगी नहीं, ये होगी हमारी रैंडम सैंपलिंग हमारी यहाँ पे हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने आसान क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की हमें आवश्यकता, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। और आगे हम बात करें दोस्तों, इसमें काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं भाई, हमने 2012 से लेके आपके सामने दोस्तों 2012 से लेके 2023 तक और आगे भी इनमें से, इनमें जो क्वेश्चन हम ऐड करते जाएंगे, जैसे जैसे एग्जाम होंगे, रिजल्ट आएंगे, हम ऐड करते जाएंगे इसमें से। तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर दोस्तों आपको ये नोट्स चाहिए, अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप हमारी ऐप निमिज नेट डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। देखिए एक वीडियो के अंदर सभी क्वेश्चन करवा पाना, पूरा टॉपिक करवा पाना काफ़ी मुश्किल होता है, वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, तो इसलिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना और आप हमारा कोर्स है, पेड कोर्स, वो ज्वाइन कर लेना। उसमें सारे स्टडी नोट्स, वीडियोज़, एड फ्री वीडियोज़, टॉपिक वाइज क्वेश्चन और सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जी। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों NTA UGC नेट एग्जाम को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे, जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, ICT के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं, जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग, मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और DI के क्वेश्चन सोल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर, इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी, जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है, और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू।